हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्याज की भाजी बनाना बता रही हूँ, स्प्रिंग ओनियन की सब्जी बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हमने हरी प्याज को धो के बारीक काट लिया है, दो मीडियम साइज की प्याज और दो मीडियम साइज टमाटर को बारीक काट लिया है। हमने मिर्ची पाउडर ली है 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, ये अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट है ये 1 छोटे चम्मच है, बेसन लिया हमने 1 टेबल स्पून, जीरा ले लेंगे 1 छोटे चम्मच और नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है और तेल गर्म हो गया है, ये 1 टेबल स्पून तेल है, उसमें हम जीरा डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, प्याज डाल देते हैं, फिर भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। प्याज को हल्के से भूनने के बाद हम इसमें बेसन डाल के भून लेते हैं। बेसन भून गया है, अब हम इसमें बाकी के सूखे मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, आंच को हम धीमा ही रखेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, टमाटर डाल देते हैं, इसे हम ढक देते हैं और टमाटर गलने में पका लेते हैं। मसाला अच्छे से भुंज गया है, टमाटर भी गल गया है, अब हम इसमें हरी प्याज डालें, मिक्स करते जाएंगे, तेज आंच में अच्छे से मिक्स करते जाएं। प्याज में बहुत ही मॉइस्चर होता है, देसी के पानी में अच्छे से पक जाएगा, पानी इसका अच्छे से जल चुका है, अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेते हैं और इसे डिश में निकाल लेते हैं। प्याज की भाजी बनाना बहुत ही आसान है, आप भी घर पे जरूर ट्राई करें, इसे आप चपाती के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।